आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नगर परिषद पवई में दिखाया गया मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण। एक साथ डाली गई आवास योजना एवं स्वनिधि योजना की हितग्राहियों के खातों में राशि। नगर परिषद पवई प्रांगण में गरिमामय समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण एलईडी के माध्यम से लोगों को दिखाया गया। शनिवार की दोपहर 1 बजे नगर परिषद पवई परिसर में विधायक प्रहलाद लोधी की अध्यक्षता में समारोह संपन्न हुआ तथा मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को दिखाया। इसके साथ वन क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वनिधि योजना की राशि सीधे पात्र हितग्राहियों के खातों में डाली गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सराहा। विधायक द्वारा नगर में कुछ हितग्राहियों पूर्ण हो चुके आवासों में गृह प्रवेश कराया। इस मौके पर SDM सुरेश गुप्ता, तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी सहित भाजपा पदाधिकारी एवं हितग्राही नगर परिषद स्टाफ मौजूद रहा। ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज के लिए पन्ना से जिला ब्यूरो रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। गरीब और असहाय लोगों को लेकर के देश के जैसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की चिंता करते हुए आज प्रधानमंत्री आवास को लेकर के जो हमारे पवई नगर परिषद को राशि प्राप्त हुई है 1,50,000, जिसमें 39 लोगों के बीच किस्त गाड़ी जा रही है 19,50,000, 18 लोगों की प्रथम किस्त 18,00,000, कुल मिला के 37,50,000 हमारे नगर परिषद को राशि प्राप्त हुई है। मैं धन्यवाद अपने पवई विधानसभा की ओर से देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चरण छू करके प्रणाम करता हूँ। प्रदेश के SSD मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे शिवराज सिंह जी चौहान को मैं चरण छू करके प्रणाम करता हूँ। तो गरीबों की चिंता लगातार आप करते रहते हैं, इससे हमारे जो गरीबों को कभी मकान की आशा नहीं लगी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी के मकानों के लिए 2023 तक लक्ष्य रखा है। कोई प्रधानमंत्री आवास से वंचित नहीं रहेगा, सभी को पक्का मकान मिलेगा। और इसी के तहत में हमारे